दिल्ली के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में बैसाखी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल से ही यहां पर कथा कीर्तन समेत लंगर वितरण का कार्यक्रम शुरू है। बैसाखी का त्यौहार वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसे बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल बैसाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस त्यौहार को पंजाब और हरियाणा में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बैसाखी के अलग अलग नाम हैं। इसे असम में बिहू, बंगाल में नबा, केरल में पूरम विशु कहते हैं। माना जाता है कि बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इस महीने में रबी की फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है और उसकी कटाई की शुरुआत होती है। इसलिए बैसाखी को फसल पकने और सिख धर्म की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैसाखी दे दिहाड़े दी समूह साध संगत को लख लख वधाई होए। अज असी बैसाखी का दिहाड़ा मना रहे हैं, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 1699 की बैसाखी नू, एक वैसाख नू बैसाखी का दिहाड़ा मनाया सी। सारी संगत नू, सारे सिखां नू आनंदपुर साहिब केसगढ़ साहिब जी की धरती उत्ते बुलाया ते बुला के सतगुरु ने उत्थे सीस दी मंग कीती ते एक गुरु का सिख उठिया भाई दया सिंह ते सतगुरु उन्हों तंबू विच लै गए। जाके किरपान चलन की आवाज़ आई ते लो भिजी किरपान सतगुरु स्टेज दे उत्ते लैके आए ते आखन लगे मैनू एक सीस की होर लोड़ है, एक सीस होर चाहिए। भाई धर्मचंद जी उठे ते सतगुरु दे नाल गए तंबू विच, किरपान फिर चली। उपरंत सतगुरु फिर आए, आखन लगे मैनू होर सीस की लोड़ है। हुण भाई मोकम जी उठे, भाई हिम्मत जी उठे, भाई साहिब सिंह जी उठे। पंज सिंखां ने गुरु साहिब जी नूं सीस दित्ते ते सतगुरु ने पंजां प्यारियां नूं अमृत की दात बख्शीश की। अज दे दिन ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अमृत छक के आप गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने। बैसाखी का दिहाड़ा गुरु अमरदास जी तो मनाया जाता है, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा काल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, गुरु साहिब जी ने खालसे दे अज दे दिन खालसे दी सिरजना की। इस वास्ते असी बैसाखी का दिहाड़ा ते खालसे का सिरजना दिवस, खालसे का जन्म दिहाड़ा अज मना रहे हैं। इस वास्ते सारी संगत इकट्ठी हुई है ते कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, गुरु के लंगर चल रहे हैं। गुरु द्वारा सिंह सभा कामटी रोड विखे बड़ी गुरु साहिब जी की कृपा है, जो सामने भाई कन्हैया जी चैरिटेबल चल रहा है, हर वेले लंगर चलता है। आए गए दिया जिहड़ियां लोड़ां हन, जरूरतां हन, वह पूरियां कीतियां जांदियां हन। गुरु की देग हर वेले वरतदी है ते वध तो वध सेवावां चल रहियां हन। अज असीं सारे रल मिल के बैसाखी का दिहाड़ा मना रहे हैं ते सारी संगत नूं गुरद्वारा सिंह सभा कामटी रोड की संगत वलों अते गुरद्वारा सिंह सभा कामटी रोड की कमेटी वलों लख लख वधाइयां होण। सो सारी कमेटी भी बैठी हुई है, सारी संगत नूं, सारी संगत नूं वधाई दे रही है सारी कमेटी ते सारी संगत नूं बेनती है, इसी तरह आप जी गुरद्वारा साहिब विखे आओ ते वध चढ़ के सेवावां करो तां जो होर असी रल मिल के वधिया प्रबंध कर सकीए, क्योंकि गुरु घर जो है सारियां दा सांझा है ते हर एक दी इत्थे जरूरत पूरी की जाती है, लोड़ पूरी की जाती है। ते असी अज बैसाखी दे दिहाड़े ते बड़ा सारियां नूं वधाइयां दिंदे आ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई सतेंद्र सिंह जी दास बोल रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि हमारे हेड ग्रंथी साहब भाई सतेंद्र सिंह जी ने अभी बताया कि 1600 ईस्वी में 10वें पातशाह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये आज खालसा का जन्मदिन है और ये हर साल बैसाखी के दिन उन्होंने आनंदपुर साहब की धरती पे ये खालसा पंथ की सृजना की थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हर साल ये बैसाखी के दिन हम लोग ये खालसा सृजना दिवस मनाते हैं और इस दिन कथा कीर्तन गुरुद्वारे में लंगर सेवा और भी बहुत सारी चीज़ें, जो हमारा जैसा हॉस्पिटल है वहाँ पर जो लोग आते हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाता है और भी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बाहर से आके लोग रहते हैं उनको यहाँ रहने के लिए कमरे हैं वो दी जाती है, इसी तरह सब मिलके मतलब यहाँ पर सेवा कर रहे हैं।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। और है कि इन्होंने जब ये पांच प्यारे बनाए थे, जैसे बनाए उन्होंने, इन्होंने अलग अलग वर्णों से लेके, मतलब व्यक्ति जितने भी थे पांच प्यारे पहले, ये अलग अलग वर्णों से थे। कोई एक वर्ण से किसी व्यक्ति को उन्होंने पांच प्यारे में नहीं बनाया, उन्होंने पांच अलग अलग वर्णों के लोग थे जो वहाँ पर पहले पांच प्यारे बने, सिख बने। उसके बाद में उनको मतलब सिख बना, खालसा बना के गुरु साहब ने खुद उनसे, फिर उनके सामने घुटने पर बैठ के उनसे भी उनको कृपा, मतलब उनसे दीक्षा मांगी उन्होंने अमृत की, जो उनको अमृत छकाया, खालसा बनाया। फिर उन्होंने उनको कहा कि तुम अब मुझे भी खालसा बनाओ। तो ये समूचे जगत में एक पहली घटना है कि जो गुरु है वो चेला भी है। तो बोलते हैं कि वाह वाह गोविंद सिंह आप पे गुरु चेला। जो पहले गुरु थे उन्होंने खालसा पंथ बनाया और बाद में खुद पांच प्यारों के सामने घुटने टेक के बैठ के उन्होंने फिर अमृत पान किया और खुद खालसा बने, गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। यही प्रथा भी चलती है। हम लोग भी आज अमृत संचार का प्रोग्राम रखा है, हमने भी जितने हमारे भाई बहन बच्चों जिन्होंने नहीं चखा है अमृत, आज वो भी अमृत पान करके मतलब गुरु वाले बनेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सुखबीर सिंह, मुख्य सेवादार, गुरुद्वारा सिंह सभा, कामठी रोड, नागपुर। के लिए अजीत कुंवर के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।